1961 में आई वॉज इन क्लास वन। उस समय से हम सुन रहे हैं कि मोती झील की विकास होगी, पैसा आया है, इतना फंड आया है, ये है, सुन रहे थे, बड़े लोग बात करते थे कि ये अब मोती झील की विकास होगी। फिर 62 में चाइना वॉर हुआ तो हुआ कि सारा फंड डाइवर्ट हो गया, और इस तरह से कंटिन्यूसली ये प्रोसेस चलता रहा कि कोई नेता, कोई मंत्री, कोई ये आके बताता था कि जो हाँ मोती झील को इतना करोड़, इतना अरब रुपया दिया जाएगा, दिया गया है और इसका विकास होगा। लेकिन धरातल पर विकास आज तक, पिछले एक साल पहले तक कुछ नहीं दिखे। एक डेढ़ साल पहले, दो साल पहले मान के चलते हैं, दो साल पहले से यहाँ कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी इसके विकास के लिए। पहले जलकुंभी को हटाने के लिए वो खरपतवार एक विभाग है उसके थ्रू कुछ केमिकल्स दे के उसको मारा गया जलकुंभी को, लेकिन फिर वो साल भर के अंदर ही, रादर 6 महीने के अंदर ही फिर पूरा भर गया। तो उसके बाद हम लोग करीब 10 साल पहले से मोती झील बचाओ अभियान, एक अंसारुल हैं, जूनियर है, काफ़ी एनर्जेटिक है, वो उसके इनिशिएटिव से मोती झील बचाओ अभियान चलाया गया और उसमें हम लोग सबको जुड़े। और हर साल 2-3 प्रोग्राम 4 प्रोग्राम करते थे, और ये इंश्योर करने के लिए कि लोगों को जगाए, लोगों को अवेयर करें कि मोती झील में गंदगी नहीं डालें, और इसके गाद की सफाई के लिए बहुत बार वॉलंटियर्स जलकुंभी निकालने के लिए स्कूल के, कॉलेज के, इन लोगों को अवेयर करके एक साथ मिल के हजारों लोग मिल के उसमें लगे, लेकिन मैन पावर से संभव नहीं हो पाया कि उसको पूर्ण तरह साफ कर सके। तो फिर ये जो अभी के जो हमारे सांसद हैं और जिला पदाधिकारी हैं, इन लोगों का काफ़ी पॉजिटिव रोल रहा, और आप जैसे देख रहे हैं सामने मशीन लगी हुई है, उससे जलकुंभी साफ हो रही है, और एक ड्रेजर मशीन का भी आने वाला है, उससे नीचे जो गाद जमी हुई है उसको भी, उसकी भी सफाई होगी। तो इस तरह से ये मोतिहारी का जो आप जो कहें हार्टबीट, सही माने में ये मोतिहारी का हार्टबीट है, और बहुत कम, माने कश्मीर में जैसे डल लेक है, डल लेक भी हालांकि बहुत गंदगी भरी हुई है, इसमें नीचे सेवार से भरा हुआ है। तो उस तरह से ये मोतिहारी का मोती झील है, और ये मोती झील अगर पूरा फुल्ली डेवलप हो जाता है तो टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए ये बहुत बढ़िया एक साधन होगा। स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, यहाँ हर तरह के वाटर स्पोर्ट्स डेवलप हो सकते हैं, और हमारे जिलाधिकारी इसमें इनिशिएटिव भी लिए हैं, और मेरे ख्याल से नेशनल लेवल का वाटर स्पोर्ट्स यहाँ वेरी नियर फ्यूचर देखा जा सकता है। अरे सर, इनफैक्ट जो पहले भी सवाल मैं जिलाधिकारी महोदय से भी कर रहा था, और वही चीज़ आपसे भी, कि आप लोग ने एक मोमेंटम खड़ा करने की कोशिश की, एक आपको जिलाधिकारी एक ऐसे आए जो मान लीजिए कि इसमें इनिशिएटिव में साथ आने के लिए तैयार हुए, तो ये यहाँ तक बात बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन क्या इसको सस्टेन कर पाएंगे, मान लीजिए सिविल सोसाइटी क्या इसके लिए तैयार है? इसके लिए नहीं, सिविल सोसाइटी तो आज के तारीख में एकदम तैयार है, और जो भी ठीक है, आज जिलाधिकारी यहाँ हैं, कल इनका ट्रांसफ़र होना ही होना है, फिर जो नए आएंगे उनको हम लोग मोटिवेट करेंगे, उनको एग्जाम्पल सेट करेंगे, ये देखिए इतना दिन बाद एक ऐसे जिलाधिकारी आए जिनको हम लोग बहुत इज्जत से उनका नाम ले रहे हैं, तो क्यों नहीं आप भी उन्हीं के कदमों इसमें चले, सो दैट इसका और सारा डेवलपमेंट हो, और हमारे सांसद भी इसमें लगे हुए हैं, उनका भी बहुत अच्छा। पानी का एक बड़ा कल्चरल इम्पोर्टेंस भी हमारे यहाँ रहा है, छठ के माध्यम से भी और तमाम माध्यम से पंच तत्व का एक तत्व पानी भी है। तो शहर की ज़िंदगी में, भागदौड़ भरी ज़िंदगी में, आप मान लीजिए कि बिजनेस भी करते हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, एक वाटर बॉडी का, एक इतने बड़े झील का क्या महत्व? इतने बड़े झील का महत्व
आज आप बहुत सारे ऐसे शहरों में चले जाएंगे कि गर्मियों के दिन में वाटर लेवल जहां 10 फीट पर वाटर लेवल था वो 30 फीट 40 फीट 50 फीट नीचे चला जाता है। लेकिन ड्यू टू दिस ये जो झील है, ये जो लेक है, इसके चलते मोतिहारी सराउंडिंग एरिया में वाटर लेवल ऑलवेज मेंटेन रहता है। कभी 10 फीट आप नीचे जाएं तो फुल माने पानी का पूरा फ्लो आ जाएगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इस जलाशय के रहने से। और जैसे आप कहें कि कल्चरल सोशल सब तरह से इसका इम्पोर्टेंस है, टूरिज्म के क्षेत्र में भी इसका बहुत अहम भूमिका होगी अगर इसका फुल डेवलपमेंट हो जाए, नए जनरेशन को पानी से एक इमोशनल कनेक्ट हो। इसको लेकर के छोटे शहरों में कुछ अलग चैलेंजेस हैं ऐसा है कि? हाँ, अवेयरनेस की तो कमी है नए जनरेशन में। ये हालांकि अभी इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है कि वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन ठीक है, अभी भी हमारे नेक्स्ट जनरेशन पानी को क्यों प्रिजर्व करना चाहिए, इसका कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, इस पर उतना सीरियस नहीं ले रहा है। क्योंकि यहाँ पानी का बहुत सारा रिसोर्सेज है, अगल बगल बहुत सारा तालाब है, इस तरह के झील हैं, तो इसलिए पानी का क्या महत्व अभी ये जनरेशन नहीं समझ में आ रही। लेकिन चंपारण गांधी जी के एक कर्मक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत वहाँ से की थी, और गांधी जी के अनेकों जो उनके खोज थे, प्रयोग थे, उसमें पानी का भी था कि वो पानी बहुत संजोग के चलते थे। आज से 100 साल पहले गांधी ऐसा सोच सकते थे? आज की तारीख में पानी के क्राइसिस जिस तरीके से बढ़ रही है, फिर भी लोग उतने केयरफुल शायद नहीं है पानी के यूज़ करके लेकर के। हाँ, वही बता रहे हैं कि अवेयरनेस की कमी है। लोग अगर अवेयर माने समाज को ही नेक्स्ट जनरेशन को अवेयर करना होगा, बाहर से कोई नहीं आएगा बताने कि आपको पानी को प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है। तो इसलिए सब समाज का ही यह मेरे ख्याल से ड्यूटी बनता है कि इस बारे में स्पेशली जो थोड़ा पढ़े लिखे, थोड़ा इसमें है, उनको ज़्यादा उनका ज़्यादा। ये एक अंतिम सवाल मेरा ये भी है कि बहुत सारे अच्छे प्रयास इंक्लूडिंग पानी को बचाने को लेकर के सोसाइटी में अलग अलग इश्यूज पे बेहतरी लाने के लिए बहुत जगहों पे हो रहे हैं, छोटे शहरों में भी हो रहे हैं, गाँव में भी हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक इंडिविजुअल या फिर इलाके में सीमित ऐसा है। इन सारे ऐसे एफर्ट्स को, ऐसे प्रयासों को साथ लाया जाए और उसके पक्ष में एक मोमेंटम बने, ये कैसे संभव है और इसके दिशा, इसके बारे में आपका कहना, चूँकि आप एक बहुत बड़ी संस्था से भी जुड़े हैं, रोटरी क्लब दुनिया लेवल की एक संस्था है, तो कहीं ना कहीं सारे एफर्ट्स को साथ लाने की, उन्हें समझने की और उनमें से खास करके जो जेन्युइन एफर्ट्स हैं जैसे उनको सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि राजेंद्र सिंह आई थिंक, जो जल वाटरमैन, जल पुरुष जिन्हें कहा जाता है जी, उनको भी हम लोग यहाँ लाए थे मोती झील के पान, उस पार हम लोग ऐसा ही ये घाट बना, वहाँ मीटिंग हुई थी उनके साथ, और उनके साथ और जगह भी हम लोग साथ साथ काम किए हैं। और उनका जो प्रयास है सारे इसको जोड़ना समाज को पूरे देश में, तो उस तरह रोटरी भी वही काम करती है। रोटरी का भी उसके प्रोजेक्ट्स में वाटर प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन शामिल है, और इस तरह हम लोग डिफरेंट, चूँकि रोटरी मोटा मोटी पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो उसके माध्यम से भी हम लोग समाज को ये मैसेज देते हैं कि कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। कमी ऑफ कोर्स कमी रह रही है, ऑफ कोर्स कमी रह रही है, उसको कैसे पाते हैं? फिर हम कह रहे हैं कि सरकार के प्रयास से नहीं होगा, जब तक समाज जागरूक नहीं होगी, जब तक समाज के लोग आगे बढ़ेंगे नहीं तब तक, और गांव में देहातों में उन लोगों को अवेयर करना कि क्योंकि वो लोग जानते हैं पानी का क्या महत्व है। वहाँ जो खेती बेस्ड, मैक्सिमम एग्रीकल्चर बेस्ड है हमारे गांव के भाइयों, और
वो पानी का क्या महत्व है उनसे पूछिए। जब धान के बिछड़े अभी कुछ दिन पहले, अभी तो बारिश 4-5 दिन पहले कुछ बारिशें हुई हैं, तो लोगों के मतलब किसान भाइयों को थोड़ा ढाढ़स बना है। अदरवाइज़ जो धान के बिछड़े जो छोड़े उन्होंने किए थे वो सब जल रहा था, पानी नहीं, बारिश नहीं होने के कारण। इसलिए पानी का ये तो महत्व तो सारे गांव-गांव के लोग जानते हैं।